गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ऋषि वाजपेयी, क्लास 7। आपकी लाइव क्लास कुछ इशू के कारण नहीं हो पाई, ठीक है। तो वो टॉपिक जो हमको लाइव क्लास में पढ़ना था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर इसको अपनी नेक्स्ट जो आपके डे आफ्टर टुमारो लाइव क्लास होगी उसमें हम लोग इसको ब्रीफ से पढ़ें। टॉपिक क्या था कि क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर का नाम है आपका ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर, यानी कि जो 1000 ईयर्स में जो मेडिवल पीरियड है हमारा उसमें जो जो चेंजेस हुए हैं हिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट को लेके उनके बारे में हमें पढ़ना था, जिसमें से दो चेंजेस हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जिसमें से एक चीज था आपका मैप्स को लेके कि पहले जो मैप डिजाइन किया गया वो कैसा था, उसमें जो श्रीलंका था वो साउथ में ना शो करके हमने उसको नॉर्थ में शो किया, फिर बाद में फ्रांस के जो आपके कार्टोग्राफर आए और उन्होंने इस चीज को बिल्कुल रेक्टिफाई किया और बिल्कुल सही किया कि नहीं, जो श्रीलंका है वो साउथ पोर्शन में है और बाकी इंडिया नॉर्थ पोर्शन में, तो एक बढ़िया से सेगमेंट उन्होंने क्रिएट किया, तो ये सब चेंजेस हुआ। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा था कि कई सारे वर्डिंग भाषाओं को लेके चेंजेस हुए, जैसे एक वर्ड था हिंदुस्तान, तो लोगों की जो परसेप्शन था, नजरिया था हिंदुस्तान को लेके वो क्या क्या था, तो उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद प्लस हिंदुस्तान के साथ हमने एक वर्ड और देखा था फॉर्मर वाला, ये हम सब लोग हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब जो बात आती है कि और क्या चेंजेस हुए इस 1000 चेंजेस में, तो चेंजेस में क्या हुआ कि नो अबाउट द हिस्ट्री, यानी कि जो हमें आज पता लग रहा है, आज हमें जो अपने पास्ट के बारे में पता लगता है वो कैसे पता लगता है ना, आप भी अपने घर के बारे में पता लगाते हो, अपने गांव के बारे में पता लगाते हैं, या और कोई डिटेल आपको पता होनी चाहिए, हम अपने पूर्वजों से पूछते हैं, अपने माँ बाप से पूछते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे, तो हम उनसे उनकी डिटेल और अपने पास्ट का, अपने गांव के पास्ट का, अपने घर के पास्ट का, अपने कल्चर के पास की चीजें उनसे जान पाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे आज के जो क्या बोलते हैं हिस्ट्री के पर्सन है या हम लोग हैं, तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि पास्ट में हमारा देश कैसा था, उसकी इकोनॉमिक सोर्सेस क्या थे, उस टाइम पे जो लोगों का कल्चर था वो कैसा था, लोग किस तरीके से सर्वाइव करते थे, तो ये सारी डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए भी जो चेंजेस हुए हैं या उसमें जो चीजें आई हैं वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी हम देखते हैं, आज आप देखते हो आपका घर किस तरीके से डिजाइन हो रहा है, और पहले के जो फोर्ट थे, किले थे, वो कैसे डिजाइन होते थे, पहले के जो टॉम थे, मकबरे थे, वो कैसे बनते थे, है ना। तो पहले के आर्किटेक्चर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कितना चेंजेस हुआ है, कि पहले की जो बिल्डिंग्स बन रही थी या मॉन्यूमेंट्स बन रहे थे उनमें क्या क्या चीजें थी, और आज के मॉन्यूमेंट्स में क्या चीजें हैं। क्या आपने देखा है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखते हो कि हमारे घर में कई बार दरारें आ जाती हैं, पर जो पुराने कई किले ऐसे हैं जो 400 साल पुराने, 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने, वो आज भी उनकी दीवारें वैसे की वैसी, ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं कि पहले हमारे यहाँ इसका मतलब जो मेटल्स यूज किए जाते थे, जो मटेरियल यूज किए जाते थे वो परफेक्ट है, आज तो मिलावट हो गया ना, बहुत चीजें चेंजेस हो गए, तो आज सीमेंट जो यूज हो रही है उसकी लाइफ क्या है, ज्यादा 50 ईयर्स या 100 ईयर्स, इससे ज्यादा उसकी लाइफ नहीं। पर पहले जो यूज किया जाता, पहले तो सीमेंट था नहीं, ये तो ब्रिटिशर्स आए तब हमें मिला, पहले क्या था, पहले सीमेंट की जगह पे यूज करते थे चूना, है ना, जो चौक होती थी, है ना, तो उस चूने का आप लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो इनका यूज हम लोग करते थे उस टाइम, बोलते थे एक पर्टिकुलर डिग करके गड्ढा बना के उसमें डाल के, और दूध से इसका मिक्सर बनाया जाता था, कहते थे ना दूध की नदियां बहती थी, तो दूध की नदियां नहीं कि नदी बह रही है तो नहाए, नदी का मतलब यह था कि प्रोडक्शन बहुत होता था, हमारे यहाँ बहुत प्रोड्यूस होता था, तो इसको मिक्सचर करके पूरा एक मटेरियल तैयार किया जाता था, उससे ये पूरी चीज बनाई जाती है। तो वही चीज है कि आर्किटेक्चर के हिसाब से भी हमें अपना पास्ट पता लगता है कि ये जो मॉन्यूमेंट है वो कितने साल पुराना है, ये मॉन्यूमेंट है कितने साल पुराना है, इनमें क्या चेंजेस हुआ, पहले के मॉन्यूमेंट में क्या था कि कुतुब मीनार आपने देखा है उसमें किस तरीके से बना, फिर ताजमहल किस तरीके से डिजाइन किया, तो उस दोनों के आर्किटेक्ट में कितना चेंजेस हुआ, ऐसे बहुत सी बिल्डिंग्स हमारे यहाँ बनी है, सोमनाथ टेम्पल्स हो गया, ठीक है, भुवनेश्वर का आपका पूरी टेम्पल हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, तो ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स बहुत एंशियंट टाइम से बने आए हैं, तो उनमें क्या क्या चेंजेस हुआ कि पहले की कलाकृति, है ना, पहले की आर्ट कैसी थी और आज की आर्ट कैसे है, तो ये भी एक चेंजेस देखा, और आज की बिल्डिंग आप देख ही रहे हो क्या चेंज हो रहा है, कॉइन्स के बेसिस में चेंज हुआ, है ना, मनी का एक सिस्टम आया, पहले मनी का जो सिस्टम था तो एंशियंट टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मेरे पास कपड़े हैं, उसके पास बर्तन है, मैंने उसको कपड़े दिए और उससे क्या ले लिए, बर्तन, यानी मनी का कोई नामो निशान नहीं था, बार्टर सिस्टम था, चीज के बदले में चीजें मिलती थी, तो ये बार्टर सिस्टम था।
फिर कॉइन का इन्वेंशन हुआ, अलग अलग मेटेलिक कॉइन आए, यानी मेटल्स के कॉइन आए, कॉपर के, आयरन के, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का सुना होगा आयरन के कॉइन ले आए थे, सिल्वर के कॉइन, तो अलग अलग मेटल्स के कॉइन आए। और आपने देखा होगा अलग अलग कॉइन्स में अलग अलग मॉन्यूमेंट, यानी कि अलग अलग पिक लगी रहती थी, जो उस टाइम पे डायनेस्टी होती थी वो अपने कॉइन में चलाते थे। तो आज मोदी जी को कहते हैं डीमोनेटाइजेशन किया नोटबंदी की, पर उस टाइम पे तो नोटबंदी हरदम होती थी, नई डायनेस्टी आई, नया रूलर आया तो वो अपने कॉइन चलाने लग गया, तो हरदम मोनेटाइजेशन यानी कि डीमोनेटाइजेशन होता रहता। तो कॉइन के बेसिस पे भी हम देखते हैं कि कितना क्या चेंजेस हुए। आज क्या हो गया, आज कॉइन तो चलते हैं पर कॉइन से ज्यादा अब कॉइन को क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया गया। लीगल का मतलब कि उनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, कि अब 100 रुपए का नोट ना चल के 200 चलेंगे पर वैल्यू रहेगी। अब देखिए हमारे 500 हजार के नोट बदले तो ऐसा नहीं कि वो खराब हो गए, हम बैंक गए हमने 500 दिया तो उसको डिपॉजिट हो गए हमारे अकाउंट में, अब उसके बदले में हमें उतना अमाउंट मिलेगा, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू है। पेपर नोट बनाए गए तो उसको लीगल बना दिया गया, है ना, तो अब जो नोट्स हैं उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, तो ये सब चीजें कॉइन के बेसिस पे। पेपर का इन्वेंशन हुआ, शुरुआत में जब पेपर का इन्वेंशन हुआ, पहले क्या होता था कुछ भी लिखते थे तो स्टोन में लिख दिया करते थे, है ना, स्टोन में लिख देते थे, कहीं आर्किटेक्ट में लिख देते थे, तो लोग वही पत्थरों में ही जो पढ़ते थे उसी को फॉरवर्ड करते रहते थे। फिर क्या हुआ, पेपर का इन्वेंशन हुआ, जब पेपर का इन्वेंशन हुआ तो आप देखते हो नई चीज है तो महंगी होगी, अवेलेबल नहीं होगी हर जगह पे, तो बहुत महंगी थी, तो पेपर के बेसिस में नोट्स बनने शुरू हो गए, राइटिंग बेसिस में ग्रंथ लिखना शुरू हो गया, हर चीज था। फिर ये पेपर हर जगह अवेलेबल हो गया तो इसकी कॉस्ट बहुत लो हो गई, तो सब पेपर राइज हो गए, तो कॉपी कई सारे क्या होते हैं नॉवल्स लिखना शुरू हो गए, उस टाइम पे बायोग्राफी लोगों की लिखनी शुरू हो गई, तो इस तरीके से हमें एक सोर्सेज मिला। आज भी हम लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है उस टाइम पे कैसा समाज था, क्या सोसाइटी थी, लोगों की सोच क्या थी और उन लोगों के इकोनॉमिक सोर्सेज क्या थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चेंजेस हुआ, किसको लेके, मैप को लेके, टर्मिनोलॉजीज को लेके, आर्किटेक्चर को लेके, कॉइन को लेके, पेपर को लेके। तो इसी तरीके से ही हमारा पूरा चैप्टर है। अब ये केवल एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना था, अब हम लोग लाइव क्लास लेंगे तो इसको पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और हेडिंग लिखते रहिएगा, है ना, और इसके बारे में आपको भी जो मिलता है लिखते रहिए, और जो नोट्स आप लिख रहे हैं उसको मुझे भी भेज दीजिए ताकि मैं आपको सही कर सकूं कि इसमें और चीजें ऐड करें। तो जो भी है लिखिए, लिख के भेज दीजिए तो उसको भी मैं चेक कर लूँ ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए कि हम अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज में आंसर कैसे दे सकते हैं। बाकी वीडियो और ये सारी चीज़ें टॉपिक हो जाए तो मैं आपको पूरी तरीके से सेंड कर दूँ। ठीक है क्लास, थैंक यू।